हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी टाइपिंग डिक्टेशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा आप सभी हमारे साइबा वैज्यूडिक मोबाइल एप्लीकेशन में शॉर्ट हैंड टाइपिंग डिक्टेशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्रैक्टिस को, ठीक है? स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में पीठ ने कहा, अल्पविराम, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब कार्रवाई को एक विशेष अवधि के भीतर शुरू करने का कानूनी प्रावधान होता है तो उसे उक्त अवधि के भीतर शुरू करने की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम। हालांकि अल्पविराम जहां कानून में ऐसी कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है, अल्पविराम तब भी अधिकारियों को उचित अवधि के भीतर उक्त कार्यवाही शुरू करना ज़रूरी होता है, पूर्ण विराम। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उचित अवधि क्या होगी, अल्पविराम। इसका निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, पूर्ण विराम। जाहिर है अल्पविराम वर्तमान मामलों में अल्पविराम कथित लेन देन वित्तीय वर्ष 1992 और 1993 के दौरान हुए थे, पूर्ण विराम। उक्त लेन देन के लिए कारण बताओ नोटिस वर्ष 2002 में जारी किए गए थे और वह भी फेरा की समाप्ति अवधि समाप्त होने यानी 1 जून 2002 से ठीक पहले, पूर्ण विराम। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि बैंकिंग कंपनी कोष्टक शुरू रिकॉर्ड के संरक्षण की अवधि कोष्टक बंद नियम अल्पविराम 1985 के तहत बैंक को क्रमशः 5 साल और 8 साल के लिए रिकॉर्ड को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, पूर्ण विराम। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि इस आधार पर भी अल्पविराम कारण बताओ नोटिस जारी रखने की अनुमति देना और 8 साल से भी अधिक समय से पहले हुए लेन देन के तहत कार्यवाही जारी रखना अनुचित और अतार्किक होगा, पूर्ण विराम। जब कानून के तहत प्रदान की गई किसी विशेष अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता होती है, अल्पविराम, तो उसे उक्त अवधि के भीतर शुरू करना ज़रूरी होता है, पूर्ण विराम। हालांकि अल्पविराम जहां कानून में ऐसी कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है, अल्पविराम, तब भी अधिकारियों को उचित अवधि के भीतर उक्त कार्यवाही शुरू करना ज़रूरी होता है, पूर्ण विराम। इसमें कोई शक नहीं कि उचित अवधि क्या होगी, अल्पविराम, यह प्रत्येक मामले के
तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा पूर्ण विराम। बैंकों के खिलाफ शुरू की गई फेरा कार्रवाई योजक चिन्ह वर्ष 2002 में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस अल्पविराम यानी 1992 योजक चिन्ह 1993 के कथित लेन देन की तारीख से लगभग एक दशक की अवधि के बाद अल्पविराम कानून में मान्य नहीं थे। पूर्ण विराम बैंकों को क्रमशः 5 साल और 8 साल के लिए रिकॉर्ड को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। योजक चिन्ह कारण बताओ नोटिस की अनुमति देना और 8 साल से भी अधिक समय से पहले हुए लेन देन के तहत कार्यवाही जारी रखना अनुचित और अतार्किक होगा। पूर्ण विराम कोर्ट से किसी भी सम्मन आ सकता है। पूर्ण विराम कई बार लोगों को घबराहट होती है कि पता नहीं क्यों उसे कोर्ट से बुलाया जा रहा है। पूर्ण विराम कई बार सम्मन को लोग रिसीव करने तक से कतराते हैं अल्पविराम, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पूर्ण विराम सम्मन से मतलब होता है कि कोर्ट में बयान के लिए जाना है। पूर्ण विराम टाइपिंग समाप्त। अगर आपको हमारी वीडियो से आपकी टाइपिंग स्किल में फ़ायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमें आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।